चैनल आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका है सोशियोलॉजी से, जिसमें राजनीति शास्त्र है। ये इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो ठीक है, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले क्लास 7 की एनसीईआरटी का है और सोशल स्टडीज़ जिसमें आप पढ़ते हैं तो वो उसका है। और इसके पहले मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए 7 क्लास का देखिए। 6 क्लास का कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 8th का चलेगा, 9th 10th 11th 12th सब कंप्लीट करवाया जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और घटना चक्र भी कम्प्लीट होने वाला है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। प्ले लिस्ट बन गई है, आप उसको भी देख लीजिए। RO ERO का टेस्ट देना है तो टेस्ट भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये भारतीय में लोकतंत्र में समानता, ये चैप्टर आपके समानता के लिए शिक्षकों के लिए है। ये न्यू एनसीईआरटी है, ध्यान रखिएगा। कि आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो और आपको उस समय कैसा महसूस हुआ है। समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या होता है? भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हों या स्त्री हों, किसी भी जाति धर्म शैक्षिक और आर्थिक भूमि पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वे सब समान मान जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं जान सकते, मतलब कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान तो किया गया है। तो एक मूवी देखेंगे जिसमें दीवार फिल्म की मूवी का सीन है, जिसमें 1975 में बनी, जिसमें जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार करता है। वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। समानता को स्थापित करने के संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री पुरुष या होने पर आधार पर, मतलब स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा संविधान, तो कुओं, सड़कों, नहाने के खानों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य की गई समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया, एक पहला कानून द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सतत विकास लक्ष्य 2, भुखमरी समाप्त करना, और दूसरा आप नीचे देख सकते हो, उत्तराखंड की शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्यान्ह भोजन कराना। तो ठीक है, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम मध्याह्न का भोजन, मतलब मिड डे मील है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी 2001 में। आपको एक फैक्ट मिल गया, तो यह योजना तमिलनाडु सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी कब, 2001 में। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों सरकारों को इसे लागू करने तथा अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के लिए निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों को अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब वो स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति द्वारा यह माताएं उन्हें जिन्हें पहले अपने काम छोड़कर दोपहर को बच्चे को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिलती है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम कर रखा जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं।
यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में बहुत अलग है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी वो लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी को देखेंगे, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है और उसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है, ये B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यदि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वह जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। तो अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे क्या हैं? तो शायद आप सोच रहे होंगे, क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष होता है जारी है? सच तो यह कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकी को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकी के साथ ही संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स जो है 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ये नाम याद कर लीजिएगा, आप एथिक्स के आंसर में इसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई अभी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसमें यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं जहां उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। रोज़ पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिसने एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी थी। तो यह है संविधान के कुछ अनुच्छेद जो समानता के बारे में, मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र की चुनौती क्या है? किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है
जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों का वो पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके असमान को ऊंचा रखने की भावना को स्वीकार कर रहा है या नहीं। तो ये क्वेश्चन है जो आपको टेलीग्राम के लिंक पे दूंगी मैं, उसमें भेजना है या फिर कमेंट बॉक्स में देना है। क्या लोकतंत्र में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद समानता को दूर कर सके। असमानता को कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समानता का अधिकार प्राप्त है। समाज को तो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी है। ठीक है, समाज में उनकी पूरी भागीदारी है। सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना। कानून भी अभी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वह विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, समानता के लिए ही बनाया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? ये लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू जिसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष या इससे अधिक के आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा क्या है? इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है। और संविधान क्या है? यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और कानूनों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको कैसा टॉप लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।